27 को मरियम नवाज साहब आ रही हैं, क्या रद्द अमल होगा? अगर हमारी जिंदगी रही ना 27 तारीख को मरियम यहाँ जलसा नहीं करे। अगर हमारी जिंदगी रही ना 27 तारीख को मरियम यहाँ जलसा नहीं करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट रमजान मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हज़ारा 24 न्यूज़। नाज़रीन, 16 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होने वाला जलसा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद सलीम शाह साहब ने करवाया था, लेकिन वो जलसा कॉलेज ग्राउंड एबटाबाद में होना था, लेकिन इंतजामिया की तरफ से इजाज़त नहीं मिली। मेरे साथ सैयद सलीम शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या सब कैसे? ठीक हूं जी। सैयद साहब, बताइएगा जो 16 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो साहब का जो जलसा हुआ था वो कॉलेज ग्राउंड एबटाबाद में होना था, आपको वहाँ पे इजाज़त नहीं मिली, लेकिन आपने अपनी मदद आपके तहत जलसा अपनी रेंज की हुई जगह पे करवाया और उस जलसे में आपने एक ऐलान किया था कि कॉलेज ग्राउंड में एबटाबाद की तारीख में इस इलेक्शन का कोई जलसा नहीं होगा। 27 को मरियम नवाज साहब आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्या रद्द अमल होगा? जी जी, इस पे अभी अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इंशाल्लाह अगर हमारी जिंदगी रही ना तो 27 तारीख को मरियम यहाँ जलसा नहीं करे। अगर हमारी जिंदगी रही ना तो 27 तारीख को मरियम यहाँ जलसा नहीं करे। आपका जो इख्तलाफ है वो इंतजामिया से है, अगर वो अपनी मदद आपके तहत करते हैं तो आप इंतजामिया के साथ बात करेंगे या उनके साथ है कोई? नहीं, वो अपनी मदद आपके साथ करें तब भी हम आएंगे, इंतजामिया भी उनको इजाजत दे तब भी हम कॉलेज ग्राउंड में होंगे इंशाल्लाह।